राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ ने पेंच कान्हान में निजीकरण के खिलाफ हड़ताल की। इस हड़ताल से सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा। परासिया कोयलांचल में निजीकरण की नीति के खिलाफ मजदूर यूनियन ने हड़ताल की और सरकार को चेतावनी दी। यूनियन ने मैनेजमेंट को घेरते हुए कहा, कोयला खदानों में लापरवाही मैनेजमेंट करता है। भ्रष्टाचार करते हुए लापरवाही को छुपाने के लिए अपनी गलतियों से खदानों को बंद करता है। मजदूर यूनियन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि निजीकरण की नीति को हटाया नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिससे करोड़ों का नुकसान भारत सरकार को होगा। सफल हुई है प्रथम पाली में, और जो मैनपावर हमने जो जानकारी ली, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, अधिकतर मैनपावर हमारा खदानों में नहीं गया, इससे खदानों का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, रुका हुआ है। और निश्चित रूप से ये जो हड़ताल पूरी देशव्यापी है 26 जनवरी की, आज की 7 बिंदु के इसमें जो बिंदु थे, 7 बिंदु का पॉइंट था, इसमें मांग थी हमारी सरकार से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, देश में अनेक ऐसे फैसले किए गए हैं जो दो हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है। आज पब्लिक सेक्टर को पूरी तरीके से निजीकरण किया जा रहा है। किसानों का जो बिल लाया, अध्यादेश लाया, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इन तमाम बातों को लेकर आज हड़ताल की गई थी, और हमारी पूरी बेंच तनाव में सभी खदान में हमने प्रभाव डाला है, और निश्चित रूप से हमारी हड़ताल सफल है। द्वितीय पाली और रात्रि पाली में भी यह हड़ताल जारी रहेगी। मैं पुनः हमारे मजदूर साथियों से, कार्यकर्ताओं से सच्चा निवेदन करूंगा कि इस हड़ताल में पूरी मुस्तैदी के साथ में लगे और इस हड़ताल को सफल बनाने का संभव प्रयास करें। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।